गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं क्लास एट का जो सिक्स चैप्टर है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन जो फोर है उसका मैं एट्थ पार्ट आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन एट्थ क्या है, 9216। इसका हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप लोग ध्यान से देखना और वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, मैं सारा आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमारा जो मेथड है वो सेम है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो खींच के डाल चुका हूँ। तो अब हमें क्या करना है, प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है, तो टू नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम चेक करेंगे टू के नंबर में ये नंबर डिवाइड हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अगर टू के नंबर में डिवाइड हो जाएगा तो हम टू से करेंगे, उसके बाद अगर टू के नंबर से नहीं होगा फिर नेक्स्ट हम थ्री से करेंगे, थ्री क्योंकि थ्री प्राइम नंबर है। तो पहले हम टू से करते हैं, टू टू फोर जाए एट या वन बचा जो ट्वेल्व हो गया, सिक्स जाए ट्वेल्व, फिर ये पूरा नंबर जो है यहाँ पर 16 है। बच्चे यहाँ गलती करेंगे और यहाँ क्या करना पड़ेगा, 16 बचता हमारा क्योंकि वन जो हमारा स्मॉल है टू से, तो हमें क्या पूरा नंबर लेना पड़ेगा दोनों नंबर, तो हमें यहाँ जीरो डालना पड़ेगा, फिर ये टू एट जा 16 हो जाएगा। यहीं पर आप लोग गलती करोगे, आप लोग लिखोगे 4 6 8, तो आपका गलत हो जाएगा, यहाँ जीरो डालना बच्चा भूल जाएगा क्योंकि बच्चे को डिवाइड है, बच्चे तो बच्चे हैं। ओके, उसके बाद फिर से टू के टेबल में टू टू जा फोर, टू थ्री जा और जीरो और टू फोर जा एट, फिर टू के टेबल में टू वन जा और फिर भी टू टू वन जा टू आता है, यहाँ वन बचा ये हो गया 10 और 5 और जो हो गया टू टू जा 4। इस चीज़ का आप ध्यान से देखना कैलकुलेशन, आप लोग गलती करेंगे। फिर टू के टेबल में टू फाइव जा 10, यहाँ वन बचता है ये होता है 15, फिर 7 जा 14 होता है वो माइनस हो जाएगा, फिर वन बचता है फिर 6 जा 12, फिर टू के टेबल में टू टू जा 4, वन जे 17 तो 8 जा 16 होता है, फिर वन बचा फिर 8 जा 16, फिर टू के टेबल में टू वन जा टू टू फोर जा टू फोर जा, फिर से टू के टेबल में टू 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर 2 के टेबल में देखो काफ़ी लेंथी जा रहा है, 2 3 जा 6, 1 बचा 36, फिर 2 के टेबल में 2 2 2 1 जा और ये 8 जा। ठीक है, उसके बाद देखो अब 18 जो है हमारा, जो 18 है 2 के टेबल में आता है 2 9 जा, अब 9 जो है 3 के टेबल में आता है और 3 भी 3 के टेबल में आता है। ऐसे करते करते देखो कितना लंबा जो फैक्टर गया है। इस वाले क्वेश्चन में बहुत से बच्चे गलती करते हैं, इस वाले स्टेप में, पहले स्टेप में जब ये पहला स्टेप ही गलत हो जाता है तो आगे का स्टेप तो ऑटोमेटिक गलत हो ही जाएगा। तो हमें क्या है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम बना लेते हैं, काफ़ी लेंथी जाएगा, जो काउंट करो कितना, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, तो 2 ही हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गए 3। ठीक है, अब क्या हम करेंगे, इसमें पेयर बनाएंगे, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांच पेयर, इसका मतलब हमारे पांच इन दो एक पेयर में दो जोड़े में से एक पे एक नंबर बाहर आ जाएगा, मतलब पांच टू हमारे बाहर आ गए, 1 2 3 4 5, और एक पेयर 3 का बन गया तो एक 3 बाहर आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 3 जा कितना होता है 96। इसका मतलब जो स्क्वायर रूट आया है 9216 का वो कितना है, 96 आया है। तो काफ़ी लेंथी था क्वेश्चन, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और शेयर करें चैनल को, कमेंट करना ना भूलें और बेल बटन पे जरूर क्लिक करें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए लास्ट में आप सर्कल आइकन आता है, प्लेलिस्ट का ऑप्शन भी आता है, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल बटन पर क्लिक करते हैं करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और लास्ट में प्लेलिस्ट का ऑप्शन भी आता है जिसमें कि इसी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हैं, आप उस प्लेलिस्ट में जाके अपने जो सा भी क्वेश्चन आपको बहुत प्रॉब्लम है डाउट आप उसको देख के कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।